और सीबीआई रिमांड में केजरीवाल की कटी पहली रात। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को सीबीआई रिमांड पर सौंपा है। सीबीआई आज करेगी केजरीवाल से पूछताछ। 29 जून की शाम तक सीबीआई कस्टडी में रहेंगे केजरीवाल। शराब घोटाले में 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर है केजरीवाल। दिल्ली शराब नीति घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने 25 जून को रात तिहाड़ जाकर पूछताछ की और कल सुबह उन्हें गिरफ्तार किया। इसके बाद सीबीआई ने कोर्ट से केजरीवाल की 5 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन 3 दिन ही मिली। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सीबीआई रिमांड में रहने के दौरान अरविंद केजरीवाल को घर का बना खाना, डॉक्टरों की बताई दवा, ग्लूकोमीटर देने की इजाजत दी गई है। रिमांड अवधि के दौरान अरविंद केजरीवाल शाम 6 से 7 बजे के बीच अपनी पत्नी से मिल सकेंगे और 2 वकीलों से मुलाकात कर सकेंगे। केजरीवाल से आज सुबह इस केस से जुड़ी 3 सदस्य अधिकारियों की टीम पूछताछ करेगी। इस दौरान केजरीवाल से मुख्य तौर पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत और मनी ट्रेल को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। इस दौरान सीबीआई अन्य आरोपों के बयान, बरामद मनी ट्रेल और रिश्वत में आए नोटों की फोटो भी केजरीवाल के सामने रख सकती है। सवाल नई शराब नीति को बनाने और उसे लागू करने में उनके रोल को लेकर भी होंगे। जैसे क्या GOM आपके निर्देश पर बुलाई गई? क्या नई शराब नीति का ड्राफ्ट आपकी मौजूदगी में तैयार हुआ? आपने मंगूटा रेड्डी से मुलाकात क्यों की? के कविता की आपसे मुलाकात कब और क्यों हुई थी? साउथ लॉबी से बैठक के लिए नई दिल्ली में गेस्ट हाउस आपके प्राइवेट सेक्रेटरी विभव कुमार ने क्यों बुक किया था? गोवा चुनाव रिश्वत के पैसों से लड़ा गया, ऐसे में पार्टी के संरक्षक होने के नाते आपको इसके बारे में जानकारी थी? अगर नहीं तो क्यों? 1 साल के अंदर ही पॉलिसी क्यों वापस कर ली गई? सीबीआई के ऐसे तमाम सवाल हो सकते हैं जिनसे आज केजरीवाल का सामना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और उनके परिवार के सदस्यों के साथ मुलाकात की है। इस दौरान बंडारू दत्तात्रेय की पोती ने पीएम को कविता भी सुनाई। दीपक बन कर खुद को जला दिया, शब्द ही नहीं जो उनका शुक्रिया करे, हाथ जोड़ मोदी जी को वंदन करे। और आज संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर 28 जून से बहस। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन होगा। सभी सांसदों को सुबह 10 बजे तक संसद पहुंचने और 10:55 तक अपनी सीट पर बैठने को कहा गया है। राष्ट्रपति का काफिला 10:35 पर राष्ट्रपति भवन से निकलेगा और 10:55 पर संसद भवन पहुंचेगा, जहां उनकी अगवानी उपराष्ट्रपति, पीएम, स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्री करेंगे और उनको सैंगुल के साथ लोकसभा चैंबर तक लाएंगे। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति मुर्मू का अभिभाषण शुरू होगा, जिसमें वो सरकार की प्राथमिकताएं सदन के सामने रखेंगी। अभिभाषण के समापन के आधे घंटे बाद दोनों सदनों की अलग अलग बैठक होगी, जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति सदन में पटल पर रखी जाएगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का रोड मैप देश के सामने रखती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से लगातार 3री बार सत्ता में आई मोदी सरकार अपना विजन, प्राथमिकता और रोड मैप देश के सामने रखेगी। राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण के बाद सत्ता पक्ष संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेगा, जिस पर सदस्य चर्चा करेंगे। और खबर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को लेकर है, जो इस वक्त एम्स के अस्पताल में भर्ती हैं। उनका इलाज जारी है। फिलहाल खबर ये सामने आ रही है कि एम्स के जूरियाटिक डिपार्टमेंट में लालकृष्ण आडवाणी को एडमिट किया गया है। वरिष्ठ बीजेपी नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीती रात लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें एम्स लाया गया। उन्हें एम्स के जेरियाट्रिक डिपार्टमेंट में एडमिट किया गया है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और वो डॉक्टरों की निगरानी में है। 96 साल के आडवाणी ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। आमतौर पर उनका घर पर ही डॉक्टर चेकअप करते हैं, लेकिन बीती रात उन्हें कुछ दिक्कत हुई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स लेकर आया गया। एम्स के यूरोलॉजी विभाग में वो डॉक्टरों की निगरानी में है।
उनकी नियमित जांच हो रही है। जो एम्स के सूत्रों के अनुसार उनको यूरिन में प्रॉब्लम हुई थी, जिसके बाद परिजनों के द्वारा उनको यहां पर भर्ती कराया गया है। एम्स में लगभग 10:28 पर उनको लाया गया था। लालकृष्ण आडवाणी जी को स्ट्रेचर से एम्स में लाया गया था और ओल्ड एज प्राइवेट की वार्ड के दूसरी मंजिल पर उनको भर्ती कराया गया है। उनको यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर की देखरेख में रखा गया है। और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला और हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। कोलकाता पुलिस ने कई इलाकों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। इसको लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर हमला बोला। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी बंगाल की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रही है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। वो गरीब हकार लोग को उच्छेद कर रहा है, एविक्शन कर रहा है, खास करके हिंदू हकार को। ये पूरा राजनीति से प्रेरित है। आज यहाँ पहले हिंदू लोग को उठा रहा है, उसका बाद रोहिंग्या को बैठा, इसका मतलब दूसरा है, डेमोग्राफी चेंज कर रहा है।